कैटर्स प्रस्तुत करते हैं हर बार कुछ नया, तो संपर्क करें अरिहंत कैटर्स, पुरानी गल्ला मंडी सागर। हमारा नंबर है 9993344987। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में शोक की लहर है। इस घटना से हर एक भारतवासी स्तब्ध है। देश भर में लोग वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों ने सभाएं की, जुलूस निकाले, सामूहिक मौन धारण किया। आक्रोशित युवाओं ने पाकिस्तान के पुतले जलाए और भारत सरकार से पाकिस्तान को जल्द से जल्द मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा नेता डॉक्टर अनिल तिवारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कालीचरण तिराहे से सिविल लाइन चौराहे तक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी आतंकवादियों की फोटो को जूतों से कुचला गया। पुलवामा की जो आतंकी घटना पाकिस्तान ने की, इसमें साफ साफ जाहिर है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। हम लोग यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा आज हम लोगों ने जमीन में रखा है और इसको जमीन में गड़ा देंगे। अभी तो झंडा गड़ाया है जमीन में, अब पाकिस्तान को जमीन में गड़ा देंगे। इस तैयारी के साथ हम लोग हैं और एक एक युवा आज खून खोल रहा है वहाँ का कि एक बार मौका हमें भी दो, हम भी सेना के साथ जाएं और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। देश की सरकार और देश के सब लोगों को यह बताना चाहते हैं कि भारत का एक एक युवा तैयार है। यदि हमें अपना खून देना पड़ा, हम अपना खून सरहद पर देने को तैयार है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, पाकिस्तान को जमीन में मिटाना गड़ाना पड़ेगा।